ओम शांति। आपका मन सदा शक्तिशाली रहे, सदा खुशी से भरपूर रहे और आपके मस्तक पर परमात्मा की दुआओं का आशीर्वाद का हाथ रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सब किसी न किसी संस्था से, कोई न कोई ग्रुप से जुटे हुए रहते हैं और उस ग्रुप में जब हम जाते हैं या उस संस्था में जाते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। अचानक किसी व्यक्ति का स्वभाव हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। कोई टॉन्ट मारता है या किसी के साथ आर्गुमेंट हो जाती है या किसी का कोई एक्शन हमें सही नहीं लगता है और फिर उसके ऊपर हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, मन अशांत होता है और आखिर फिर डिसीजन लेते हैं, चलो ना उस स्थान को ही छोड़ देते हैं, उन लोगों से ही मिलना छोड़ देते हैं। जैसे हम ये सोचते हैं कि उस स्थान को छोड़ देंगे, लोगों से मिलना छोड़ देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मेरा मन शांत हो जाएगा, तो मैं एकदम पॉजिटिव रहूंगा। लेकिन आप दूसरे स्थान पर गए, दूसरे ग्रुप को ज्वाइन हो गए, वहां भी आपको ऐसा और कोई दूसरा व्यक्ति मिला तो वापस आप उस स्थान को छोड़ेंगे। स्थान को आप कब तक बदलते रहेंगे? एक्चुअल में करना क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है? जहां भी जाओ लोगों के अलग अलग स्वभाव, अलग अलग प्रकृति वाले लोग आपको मिलते रहेंगे, वो चैलेंज तो आता ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा? मेरा कमजोर स्वभाव। मेरा कमजोर स्वभाव जब मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं और इसलिए सोचता हूं कि मैं स्थान को बदल दूंगा, मैं व्यक्ति को बदल दूंगा या मैं उनसे बात करना बंद करूंगा तो मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। एक्चुअल में प्रॉब्लम खत्म नहीं होंगे, मेरा कमजोर स्वभाव वैसे के वैसा ही रहेगा, परिस्थिति तो बदलने वाली नहीं है। तो फिर करना क्या चाहिए? उसी स्थान पर रहकर, उसी ग्रुप में रहकर उस परिस्थिति को स्वीकार करो। एक्सेप्ट द चैलेंज, एक्सेप्ट द चैलेंज, यस, उस परिस्थिति को स्वीकार करो, व्यक्ति के स्वभाव को स्वीकार करो, हिम्मत धरो, मुझे इस बात का सामना करना है। सामना माना लड़ना नहीं है, सामना माना यस, अगर उस व्यक्ति ने कुछ कटुता से शब्द बोले हैं, उसी ग्रुप में रहकर मैं सकारात्मक शब्द के साथ, सम्मान भरे शब्द के साथ मैं उसी व्यक्ति के साथ अपना रिश्ता बहुत अच्छा करूंगा। जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में हुई है, मैं बैठकर उस बात को सुलझाऊंगा, मैं बिगड़ी हुई बात को सुधारूंगा, न कि उसका वर्णन करूंगा और चिंतन करूंगा। दिस इज द चैलेंज, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। और ऐसा चैलेंज लेकर देखो, चमत्कार हो जाएगा, असंभव संभव हो जाएगा, मुश्किल आसान हो जाएगा। जिसको लोग कहते ये बदलना इम्पॉसिबल है, लेकिन आपने चैलेंज लिया, मैं अपने आप को बदलूंगा, मैं अपने स्वभाव को और अच्छा बनाऊंगा, मैं सम्मान देने की आदत को और ज्यादा बढ़ाऊंगा, मैं उस व्यक्ति को समझने के मेरे संस्कार को और ज्यादा बढ़ाऊंगा, मेरे धैर्यता को बढ़ाऊंगा, मेरी हिम्मत को बढ़ाऊंगा। क्या हो जाएगा?
स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाओ, परिस्थिति अपने आप बदल जाएंगे। स्व को बदलो, संसार बदल जाएगा। स्व को बदलो, संबंध बदल जाएंगे। तो परिस्थिति से, व्यक्ति से दूर भागो मत, किनारा मत करो। उनके साथ रहकर, उनके बीच में रहकर अपनी स्वस्थिति से परिस्थिति को बदल डालो। आप में है वो शक्ति, आप में वो ताकत है। भागो नहीं, भाग लो। हैप्पी डे।